प्रधानमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कि वो जो गलबहिया हैं वो मजबूरी की वजह से हैं, गलबहिया मजबूरी की वजह से हैं। इशारा था विपक्ष की बैठक पर जो बेंगलुरु में हुई, जिसमें गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया। इधर एनडीए की एकजुटता, एनडीए की ताकत, एनडीए की विजय होने की गारंटी की बात की प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में, दिल्ली में। एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, विपक्ष की पहचान सिर्फ गाली देने वाली बताया। पीएम ने कहा कि एनडीए देश को जोड़ता है, विपक्ष देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हम देश को जोड़ते हैं, वो देश को तोड़ते हैं, ये कहा उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर भी एक बार फिर बड़ा हमला बोला, दो टूक कहा कि परिवारवादी गठबंधन देश का भारी नुकसान करेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमने सरकार बनाने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं ली। सीधा इशारा राहुल गांधी की तरफ था, विपक्ष की तरफ था। और ये भी कहा कि विदेश में भी लोग समझ रहे हैं कि किसकी सरकार आने वाली है, इसलिए वो इतनी आवभगत कर रहे हैं, जबकि किसी भी सरकार के आखिरी साल में दूसरे देश भी सोचते हैं कि उसके साथ संबंध कितने मजबूत किए जाएं या अगली सरकार का इंतजार किया जाए। उन्होंने कहा देश के मन को तो आप जानते हैं, विदेश वाले भी देश के मन को समझ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए के गठबंधन की तारीफ की और इसे विपक्ष की तरह मजबूरी का नहीं बल्कि देश के विकास के लिए मजबूती का गठबंधन बताया। आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और यह आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक बातें फैलाता है जबकि एनडीए सकारात्मकता का प्रतीक है। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मोदी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगले चुनाव में भी जीत एनडीए की ही होगी। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। और प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म होने पर दिया। ये बैठक बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों की बैठक के बाद हुई, जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें चिराग पासवान और ओपी राजभर की पार्टी भी शामिल। ओपी राजभर की कुछ दिन पहले ही एनडीए में वापसी हुई। दिल्ली में एनडीए की यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गठबंधन में शामिल 38 पार्टियां शामिल हुई और उन्होंने एक साथ मिलकर 2024 की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। यही नहीं, बैठक में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। यानी एक तरफ शरद पवार विपक्ष की बैठक का हिस्सा बने तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार एंड कंपनी एनडीए की बैठक का हिस्सा बने। यही नहीं, बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के नए गठबंधन पर ताबड़तोड़ निशाने साधे। और बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया, INDIA, इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। यानी 2024 की चुनावी जंग एनडीए और विपक्ष के गठबंधन इंडिया से होगी, क्योंकि बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह नाम फाइनल हो गया। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए था, लेकिन बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक खत्म होते ही विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर INDIA इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हो गया, जिस पर बेंगलुरु पहुंचे 26 पार्टियों के नुमाइंदों ने मोहर लगाई। बेंगलुरु में एक दिन पहले विपक्ष की अनौपचारिक बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी ने बैठक के पहले ही दिन विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी एकता के नए नाम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर विदेशों में देश को अपमान करने का आरोप भी जड़ दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के एक हिस्से को ही हथियार बना लिया। विपक्ष के नए गठबंधन का नाम बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की जबान फिसल गई थी और वो इंडिया में ए की जगह एल बोल गए थे। बीजेपी ने वही वीडियो ट्वीट कर दिया, दैट इज INDIL। बीजेपी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं आखिर में उसके नाम का ही सहारा लेना पड़ा। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का नया नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि बैठक में उन्होंने तर्क दिया इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस एनडीए की तरह सुनाई देता।
सूत्रों ने बताया कि नए नाम पर उन्होंने बेमन से सहमति जताई, क्योंकि राहुल ने उन्हें समझाया और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के पीछे का मतलब समझाया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा जो उन्होंने बैठक में नीतीश से कहा था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लेकिन खबर उड़ी कि नीतीश ने राहुल की बात पूरे मन से नहीं मानी, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन के नाम से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नया नाम एनडीए जैसा सुनाई देता है। वहीं नाम तय होते ही ऐलान कर दिया गया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां 11 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम भी मुंबई में ही बताए जाएंगे। यानी पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने के बाद अगला नंबर मुंबई का है, जहां विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। मतलब वो राज्य जहां कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी को बीजेपी ने जोरदार झटका दिया और विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले शरद पवार के भतीजे को एनडीए में खींच लिया। विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद खड़गे ने ऐलान किया कि 2024 के चुनाव की विपक्ष की तैयारी का अगला पड़ाव मुंबई होगा, जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा कि कमेटी के 11 सदस्य कौन कौन होंगे। हालांकि मुंबई की बैठक की तारीख का ऐलान बाकी है। लेकिन इससे पहले बेंगलुरु में हुई विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया, क्योंकि पटना में हुई बैठक में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे, लेकिन इस बार दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना वहां से निकल गए, जिस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव संयोजक नहीं बनाए जाने पर नाराज तो नहीं, क्योंकि पटना की बैठक में दोनों ने पूरे जोश से हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उल्टा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ही बोलने का मौका मिला। इंडिया एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया। यानी बेंगलुरु की बैठक में शामिल तो विपक्ष के 26 नेता हुए, लेकिन बैठक के बाद कुछ नेताओं ने ही अपनी बात रखी, जिनमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं रहा। यही नहीं, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार को भी बोलने का मौका नहीं मिला, जबकि वो मंच पर ही मौजूद थे। पटना और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बीच शरद पवार को लेकर जबरदस्त उठापटक हुई, क्योंकि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत उनकी पार्टी के कई विधायक बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ चले गए। यही नहीं, अजीत पवार तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तक बन गए। और एनसीपी में इसी सियासी उठापटक के बीच शरद पवार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल हुए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा बने। खड़गे, ममता, केजरीवाल और राहुल के भाषण के दौरान मंच पर वो मौजूद भी रहे, लेकिन उन्हें वहां से भाषण देने का मौका नहीं मिला, जबकि पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अपनी बात रखी थी। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकता के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर तीखा हमला किया। उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 की लड़ाई दो गठबंधनों के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष और बीजेपी की विचारधारा के बीच है, और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया और दो टूक बोल दिया कि विपक्ष 2024 की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ेगा। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और 2024 के चुनाव में विपक्ष की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। इसी बीच खबर आई कि बेंगलुरु की बैठक में प्रधानमंत्री पद और सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, यानी यह तय नहीं हुआ कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन चेहरा बनेगा। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी नेता ने कोई बात नहीं की और विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और सीट बंटवारे का कोई जिक्र नहीं किया, जिसके बाद अटकलें लगी कि इस मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी के देश भर में हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार खड़ा करने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, हालांकि इसकी सही रूपरेखा तय नहीं हो पाई। यही नहीं, बेंगलुरु में केवल ये ऐलान किया गया कि मुंबई में होने वाली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, यानी विपक्ष सीट शेयरिंग और पीएम पद के उम्मीदवार पर बात करने से बचता नजर आया।